सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। I congratulate Mr. Akhilesh Singh for creating this wonderful platform, Pride of India. And I'm very happy that people should recognize their good work. I wish all the best to him and thank you very much. Pride of India, I award to K21 for the artist you award First of all, it's a great pleasure that finally we are having actual award functions which are not virtual. That's a very good part of it, and it is a pleasure to receive this award. So I would like to thank Akhilesh ji and his organization for rendering this award to me. बहुत शुक्रिया एंड उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बहुत 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 ढेर सारा प्यार आप सब लोगों को यही होना चाहिए। ऑफकोर्स खुशी होती है आपको एक तरीके का सम्मान मिलता है जब, एंड इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आई रियली फील ऑनर्ड एंड वेरी मच थैंकफुल टू द प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड्स फिल्मोरा मीडिया अखिलेश सिंह जी। इन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर कमिंग हियर मीटिंग एवरीवन। बहुत मजा आता है, सब पहचान के चेहरे मिलते हैं हर वक्त और हमारे काम को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, एक एक्टर को यही चाहिए होता है। एंड फाइनली आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल अवार्ड। इज़न्ट इट प्रिटी? थैंक यू। इट्स अमेजिंग एंड आई थिंक इट इज ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड आई एम फीलिंग रियली रियली गुड। अमेजिंग, थैंक यू। To be honest, I am extremely happy, delighted, joyful and grateful. You know, a very crazy incident happened with me back in Chandigarh, I think on the 7th of September, you all are aware about that. To come back to Bombay and to be welcomed with so much love feels great, because aap logon ka pyar, aap logon ki attention, aap logon ka har jagah hona, our fans and following always makes us feel that all our efforts that we've put in is worth it. And no matter it's COVID, no matter you fail, no matter you succeed, there are people out there who appreciate you, who love you and push you, because I think that's the most important thing, that you believe in yourself and there are others who believe in you, like all of you. And I can only say thank you so much for respecting me, for always being there for me, and to all the media who always covers me and all of us, thank you so much for your love and your support. It means a lot to me. Thank you. बहुत actually अखिलेश सर जी को मैं thanks बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने ये versatile entrepreneur का award मुझे दिया है। इसके लिए आप सबको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। माय नेम इज़ डॉली गद्रे एंड आई हैव बीन अवार्डेड फॉर द बेस्ट फैशन कोरियोग्राफर ऑफ द ईयर। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू प्राइड ऑफ इंडिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग माय एफर्ट एंड आल्सो अखिलेश जी टू एनकरेज मी टू वेयर आई एम टुडे, व्हिच गिव्स मी अ रीजन टू डू अ गुड वर्क फॉर द फ्यूचर, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड सबसे बड़ी बात तो ये है, फ्रेंड्स एंड मीडिया को देखकर बड़ी खुशी होती है और इट्स व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर वी आर, जो भी हम लिटिल बिट अचीव करते हैं, इट्स फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया जो सुपर स्पेशल बनाते हैं। अखिलेश सिंह सर, यू बिलोंग टू द मीडिया वर्ल्ड और जो आपने जिस मकाम पर आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, हम सबको आप पे भी बहुत गर्व है। एट द सेम टाइम आपको पता है मेहनत क्या है और आप उन सबको फेलिसिटेट करते हैं। तो ये बेस्ट इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो मुझे आज नवाजा है, मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ और शुक्रगुजार
शुक्रगुजार हूँ आपकी. थैंक यू टू अखिलेश सिंह सर. एंड इस बार बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं श्वेता सिन्हा के साथ हूँ, द लवली लेडी इन रेड. ये अवार्ड को लेके बहुत ही खुशी हो रही है मुझे और थैंक यू आप सबका. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इस अवार्ड के काबिल समझा. और अखिलेश जी को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी. और सबसे बड़ी बात ये है कि अवार्ड मिलना हर किसी को नहीं मिलता है और ये मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ये अवार्ड मिला है. मेरे सारे ऑडियंस सबको थैंक्स बोलूँगी और मुझे देखते रहिएगा. धन्यवाद करना चाहती हूँ आज उन्हीं ने दिया हुआ जो प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्साइटेड बिकॉज सी आई एम जस्ट अ बिगिनर. आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी एंड यू नो टू फाइंड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट यू नो अप्रिसिएशन एट सच अ स्मॉल यंग एज व्हेन आई एम जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी इट ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट बिकॉज यू नो सपोर्टिंग न्यू टैलेंट इज समथिंग दैट यू नो नॉट मेनी पीपल डू एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ट्रॉफी एंड आई एम गोना गिव यू गाइज अ लॉट मोर यू नो टू सेलिब्रेट इन द कमिंग फ्यूचर. आज मुझे जो अवार्ड मिला है आइकॉन अवार्ड उसके लिए मैं प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड ये नेचर्स ड्रीमलैंड हॉलीडे होम इगतपुरी को मिला है. तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं ऑन बिहाफ अखिलेश जी और इंडियन आइकॉन अवार्ड के तरफ से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आप इतनी तादाद में आए और इतना अच्छा कवरेज दिया. अक्सर आप लोग सपोर्ट करते रहते हो और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहना. ये एक सोशल कोर्स के लिए किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है. आज जयपुर से भी लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं अवॉर्डी, तो ये एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है. मतलब मैं हर एक इंसान इसको लिए चाहता है कि हमको कुछ रिवर्स मिले. तो अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं और सबको अपने आप इस एक अवॉर्ड से सबको नवाजें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अखिलेश सर जी, मुझे इस काबिल समझा और मुझे अवार्ड दिया. एंड प्राइड ऑफ इंडिया को भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच आप लोगों को भी. सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँ आपसे जिन्होंने और ये अपने आप में एक सक्सेस है. इतने सारे जो आइकॉन्स हैं इंडिया के, शर्लिन चोपड़ा हो गई है, अर्चना बच्चन नाम है, मालू मजुमदार है, इतने सारे सेलिब्रिटीज के बीच पे अपने आप को सम्मान करना पाना अपने आप में एक सुखद अनुभव है. जिन्होंने इस प्राइड ऑफ इंडिया आइकॉन अवार्ड 2021 में शामिल हुए आए और अपना समय निकाला, युविका चौधरी और वेरोनिका वान और ऐसी तमाम अर्चना कोचर और ऐसे तमाम सेलिब्रिटी थे आए जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए. बड़ा अच्छा लगता है जब आपके किए हुए कार्यों को लोग जब सराहते हैं तो डेफिनेटली खुशी होती है अंदर से. और वही हुआ कि आज आए लोग खुश होके गए और कार्यक्रम अच्छा रहा और बड़े ही सक्सेसफुली कार्यक्रम हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अखिलेश जी को जो मुझे एज अ टीम उन्होंने लिया है. इसके पहले भी मैंने कहा था, मैंने अखिलेश जी के साथ में पहले भी एक अवार्ड शो कर चुकी हूँ और बहुत खुशी होती है जैसे जैसे उनका प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ते हैं और कामयाबी. और मैं चाहूँगी, दुआ करूँगी कि उनको और कामयाब मिले और ऐसे शोज़ करें और ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहे और हमें बुलाते रहे.